नहीं है, लंजेस के बगैर लेग का वर्कआउट है ही नहीं। ओके तो लंजेस आप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ट्रैक अगर मैंने खाली करवाया है ना, तो ये आपकी लंजेस के लिए रखा हुआ है, ठीक है। लंजेस ऐसे लगेंगे आज, क्योंकि हम बॉडी वेट वर्कआउट कर रहे हैं, तो लंजेस के बिना जो है वो नहीं है। लें जी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वार्म अप। Twist. अब हम स्ट्रेचिंग करेंगे अच्छी सी। जी जी आप बिल्कुल करती होंगी वर्कआउट पहले, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हर ट्रेनर का जो वर्कआउट है स्टाइल वो डिफरेंट होता है, तो जाहिर है आप इतने दिनों बाद अगर आई हैं तो फिर वो चेंज भी तो होगा आपके बॉडी। आप कैरी ऑन करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। शाबाश, वार्म अप। अब हम अपने लेग्स का बहुत अच्छा से स्ट्रेच करने वाले हैं आज, ठीक है। करना क्या है, इधर करते हैं साथ ही, आप राइट लेग पर इसको स्ट्रेच। क्यों? क्योंकि हमारा वर्कआउट आज बहुत अच्छा है, इसका नेक्स्ट लेवल वर्कआउट है। तो उसको पहले इस साइड पर आपको टच करना है फ्लोर के ऊपर, फिर टोस सामने, फिर उसके बाद टोस बैक। ओके, आपका ये जॉइंट्स है, ये सारे मसल जो है वो मुकम्मल तौर पर स्ट्रेच होंगे। ओके, अब इसी तरह आपने दूसरी साइड पर चले जाना है, ठीक है। अब आपने टोस कैची, टोस फ्लोर साइड, अप एंड बैक साइड, ये हम स्ट्रेच कर रहे हैं। ओके, ये स्ट्रेच है ग्लोर मसल का। आप लोअर का साइड्स, शाबाश, कॉफ मसल जैसे स्ट्रेच करें। ऑल्सो स्ट्रेचिंग होगी आपकी। लें जी, अब स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे मैंने बताया था पहले कि आपके पास एक 1.5 लीटर बॉटल जस्ट वन, ठीक है, पानी से फिल, वो हम उधर से हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स 20 स्क्वाट्स करेंगे। तो हाथ में पानी की बोतल इसी तरह, ठीक है। जब आप इसको ग्रिप करेंगे तो आपके बिल्कुल सामने एल्बो जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल सामने, और एल्बोज और नीज, ठीक है, इनकी डायरेक्शन जो है आपने बिल्कुल सामने बना के रखनी है ताकि आपका ये दिखे। ओके, इसको 20 रैप्स करने हैं आपने। ओके,
16, 17, 18, 19 और ये 20, ओके 20 रेपिटेशन आपके स्क्वाट्स के। जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, जिन्होंने अभी वेलकम। उसके बाद अदील जफर है, कासम यासीन आए हैं, आपको भी वेलकम, ओके। अब इसके बाद आपने सिंगल लेग डेडलिफ्ट करनी है। सिंगल लेग डेडलिफ्ट कैसे है, आपने पहले भी एक बार की थी, बल्कि इसका मैंने चैलेंज वर्कआउट भी दिया था आपको, तो काफ़ी लोगों ने इसको किया, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज है। चेंज कैसे है, वन लेग आपने बिल्कुल स्टिफ कर लेनी है, ठीक है, और सामने की तरफ आपने बिल्कुल रहना। ये देखें, वन लेग स्टिफ, लेग जो है आपका ये जो ज्वाइंट है राइट का नीचे होगा उसकी, उस पर भी आपने उसी पर स्टैंड करना है। ये देखें, आप आगे जा रहे हैं, साथ ही आप भी उसी तरह लेग पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं। वन, शाबाश, टू, बिल्कुल स्ट्रैंड, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, शाबाश, सेवन, बिल्कुल आपके हिप्स और ये जो आपकी हैमस्ट्रिंग है, ठीक है, फुली फैक्ट हो गई। इससे आपको आइडिया हो चुका होगा अगर आप लेग को स्टिफ करें। एट, नाइन, टेन, इलेवन, शाबाश, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, वन मोर, फिफ्टीन। अब हम साइड चेंज करेंगे, देखें, लेफ्ट लेग के ऊपर स्टैंड करेंगे, बिल्कुल स्टिफ रखेंगे लेग को। ये लेग भी बिल्कुल स्टिफ रहेगी तभी तो आपके पीछे बढ़ाने, आपने पीछे इसको कर लेंगे ना। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, फाइव मोर, फाइव, फोर, सॉरी ये फोर नहीं था, थ्री, टू, लास्ट वन, और ये वन। हमारी डेडलिफ्ट थी, काफ़ी बैलेंस लॉस कर रहा था मैं भी तो, लेकिन इंशाल्लाह, क्योंकि टेंशन अटेंशन जो है आपकी वो होनी बहुत ज़रूरी है इसमें, उसी के बेस के ऊपर आप जो है इसको अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो
कोशिश लें जी, दोबारा फिर हम स्क्वाट्स करेंगे, ठीक है। देखें उसी तरह बिल्कुल सामने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन मोर, टेन नाइन एट, शाबाश, सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। यस कमिंग, दिस इज या मी टू, गुड। अब करते हैं तो आप ज़रा इसको चैलेंज समझ के करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बिना ये नहीं हो रहा। तो इस बार कोशिश करेंगे इंशाल्लाह लेग भी नीचे नहीं लगाएंगे, सिंगल लेग के ऊपर 15-15 दोनों लेग्स के ऊपर करेंगे इंशाल्लाह, जैसे इसकी गेम है। ओके, और कुछ भी नहीं है, नहीं लेग भी नीचे नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह, और उसको फुल यहाँ से ला कर के पीछे की करेंगे, और दूसरी साइड पर भी इसी तरह दोनों साइड पर करेंगे। मैं लेफ्ट से पहले स्टार्ट करूँगा। रेडी स्टार्ट नाउ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन इसी साइड पे करेंगे, इस बार बेहतर हुआ, ठीक है, बिकॉज गेम ऑफ योर माइंड। ओके, जितना कंसंट्रेट रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। टेन टेन नाइन एट सेवन six five four three more three two more two one। देखा जी, तो पांच मिनट रह गए हमारे, टेन टेन रेपिटेशन किए थे, तो इंशाल्लाह ये भी इसी तरह बिल्कुल विदाउट एनी लॉस। वन टू थ्री फोर और ये फाइव, फाइव इसी साइड पर दोबारा, फाइव फोर थ्री टू वन। ले 15-15 बोथ साइड डन, तो इस बार बहुत अच्छा रहा, तो कॉज अटेंशन की सर गेम है, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
मैं साथ वर्कआउट भी करता हूँ, बोलता भी हूँ और मेरा दिन आपकी तरफ भी होता है तो इस वजह से अक्सर हो जाता है, लेकिन जब ज़्यादा फोकस करता हूँ तो फिर बेहतर हो जाता है। ए जी, अब हम तीसरा सेट लगाएंगे इसका, लेकिन अब हम स्क्वाट्स चेंज करेंगे तो उसके बाद हमारी ये डेडलिफ्ट नहीं होगी, ठीक है? डेडलिफ्ट हम नेक्स्ट चेंज करेंगे। तो स्क्वाट्स कैसे हैं इस बार? सोमो स्क्वाट लगाएंगे। लेग्स जो हैं आपने फाइट कर लेनी है अपनी बॉडी से, ऑलमोस्ट 4 फिंगर आपकी शोल्डर से दूर होनी चाहिए इस दोनों साइडों पर, और उसके बाद टोज आपकी बाहर की तरफ, ठीक है? जैसे मुझे आप देख रहे हैं, टोज बाहर की तरफ। अगेन आपका आपका वेट, आपकी बॉटम इधर है, इसमें आपकी जो एल्बोज हैं वो नीचे की तरफ होंगे और आपको ग्रेविटी फील होगी अच्छी खासी इसकी थाइज के बिल्कुल अंदर, ये जो आपका फैट है इसके ऊपर, ठीक है? अक्सर लोगों जिनकी थाइज बड़ी होती है उनकी ये जो फैट है वो काफ़ी होता है, तो इसके ऊपर काफ़ी ग्रेविटी फील होगी, तो रेजिस्टेंस फील होगी, तो यूर इसको फील करें। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। ओके, जब बोल रहे हो थोड़ा सा चेंज कर लें तो आपको उसका उसको एंजॉय करेंगे। इदनान जट हैं वो हैं जी, वेलकम। सान जट हैं और उनको भी वेलकम, जहीम अहमद को भी वेलकम। ले जी, अब ये बॉटल आपके आपके साथ, अब हम करेंगे लंजेस। ओके, मेरे पास पीछे फुल ट्रैक पड़ा हुआ है लंजेस करने के लिए, 10 स्टेप ऑलमोस्ट मेरे पास मौजूद है और मैं इसको यूटिलाइज करूँगा। अगर आपके पास ऐसा है सीन तो ओके है, अगर ऐसा सीन नहीं है आपके पास, फर्ज करें आपके पास जगह इतनी ही है, तो आप लोग वॉकिंग लंजेस कैसे करेंगे? आप खड़े हैं, आपने लंज किया, ठीक है, साथ ही आप दूसरी लेग ले लेंगे, साथ ही आप ये लेग ले लेंगे, ठीक है? इट्स ओके, आपका भी उसी तरह होगा। तो जिन लोगों के पास ऐसा ट्रैक है 4-5 जो कदम भी हैं तो फिर भी चल जाएगा, इट्स ओके। तो वॉकिंग लंजेस करेंगे वो भी बैक फिट के ऊपर, ठीक है? उल्टे पाँव, हाथ आप इधर, ये बैक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन फॉरवर्ड, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू और ये वन। जी जी, विद बॉटल, बॉटल इस वजह से मेरे पास वेट पड़ा हुआ है, डंबल्स भी हैं सब मौजूद है, लेकिन बिकॉज हमारा होम ट्रेनिंग वर्कआउट है तो ये आप लोगों के लिए, ताकि आप इस आराम से अपने घर में इसको अरेंज कर सकें। तो ले जी,
ये हमारा कंप्लीट। अब अब हम किक बैक करेंगे, ये मैट मेरे पास मौजूद है। आपकी जो बॉटल है वो आपने उस बॉटल को अपने लेग के अंदर होल्ड कर लेना है, बल्कि लॉक कर लेना है। ठीक है, ठीक है, जैसे मुझे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये लॉक होगी अब लेग में, और इसको आपने रेपिटेशन करनी है 1 2 3। ये आपके ग्लूट के लिए है, आपके हिप्स के लिए 3, जिनके हिप्स के ऊपर बहुत फैट है 4, तो वो इसको इस वर्कआउट को करें, इंशाल्लाह वो बेहतर हो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, शाबाश, कोई बात नहीं, ये आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। 13 14 और ये 15, ओके 15 ही हम इसको चेंज करेंगे दूसरी साइड पर। बेड, सोफा या कुछ भी अगर मौजूद है उसको अवेलेबल करें, कहीं ना कहीं आप बैठे हैं, अगर आपके पास कुछ चेयर भी है तो उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, करना क्या है, आपने अपनी लेग्स के अंदर इसको होल्ड कर लेना है। मैं इसको आपको नजर आए, अपनी लेग के अंदर इसको होल्ड कर लेना है, लेग के ऊपर स्टेबल कर लेना है आपने, ओके, और लेग स्ट्रेट करनी है 1 2। ये आपकी ये जो थाइज हैं इसके लिए बहुत परफेक्ट वर्कआउट है। ठीक है, लेग एक्सटेंशन आम जिमों में ये पड़ी होती है मशीन, लेकिन बिकॉज हमारा वर्कआउट विदाउट इक्विपमेंट्स है तो हम ये देखें, मैंने क्रॉस किया ताकि आपको नजर आए, 3 4 5 6 7 8 9, शाबाश, 10 11 12 13 14 और ये 15। ले जी, ये रेपिटेशन हमारे कंप्लीट हुए। तो जी जी रज़िया, थैंक यू सिस्टर, आप कर रही हैं वर्कआउट हमारे साथ। अब जो हम करने वाले हैं ये है वॉकिंग स्क्वाट्स। हम बैक फिट जो है वो वॉकिंग स्क्वाट्स करते हुए जाएंगे, और जब हम वापस आएंगे तो हम लंजेस करते हुए वापस आएंगे। ठीक है, लुक, ये हमारी स्क्वाट हुई, एक कदम पीछे लिया लाइन, दूसरा कदम बराबर हुआ तो स्क्वाट, पिछला कदम लिया बैक, कदम बराबर हुआ तो स्क्वाट। ठीक है, इसी तरह पीछे जाते जाना, अगर किसी के पास नहीं जगह तो वो खड़े होकर भी कर सकता है, इट्स ओके। आवाज़
उसको हम फ्रंट लंजेस करेंगे। फ्रंट लंजेस ये देखेंगे और इसी तरह शाबाश। वेरी गुड। और ये स्क्वाट, ठीक है, स्लो स्लो करेंगे। हाँ जी, स्लो स्लो, ताकि आपके मसल के ऊपर टेंशन बढ़े। अपने पास एक पानी की बॉटल लाजमी रखें, तो उससे क्या होता है, आपको डिहाइड्रेशन ही होनी चाहिए, क्योंकि वर्कआउट करते हुए जब स्वेट होता है तो डिहाइड्रेशन फील होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पानी की बोतल आपके पास लाजमी होनी चाहिए, प्रोफेशनल। जी जी ले जी। अब हम दोबारा फिर अपनी ग्लूट्स का वर्कआउट करेंगे जो आपने पहले किया। ग्लूट्स बोलते हैं ये आपके जो जो पेल्विस है, पेल्विस का जॉइंट है जिसको हिप्स बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए है। तो ये बहुत बेटर वर्कआउट है फॉर योर शेप। जो लोग जीन्स पहनते हैं या फिर वो जीन्स पहनते हैं या ऑफिस पैंट पैंट वगैरह पहनते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है, बिकॉज उसकी उससे जो है जीन्स में और या पैंट में बहुत अच्छी लुक आती है। तो अगेन होल्ड करें अपनी बॉटल को, कोशिश करें, ठीक है। ये रेशमी है ट्राउजर, तो इसमें मुश्किल हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शाबाश। 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, ठीक है। अगर आपके पास डंबल हो तो वो बहुत अच्छा एडजस्ट स्टैंड करता है, क्योंकि वो डंबल इसके अंदर फिक्स हो जाता है। तो लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो मुझे देख रहे हैं उनमें सब में सबके पास डंबल नहीं होते घर में, तो बॉटल से काम चलाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 रह गए भाई। टेन, 11, 12, 13, 14 और ये 15। नहीं जी, 15 ग्लूट्स वर्कआउट हमारा ये डन हो गया। ओके, तो अब हम दोबारा फिर लेग एक्सटेंशन करेंगे। तो लेग एक्सटेंशन के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास चेयर है, सोफ़ा है, कुछ भी जिधर आप कर रहे हैं, तो उधर आप इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। देखें, अगर नीज़ का आ रहा है आपको इशू, तो मैंने आपको स्टार्ट में जब हम वर्कआउट शुरू किया था तब भी बताया था, नीज़ का प्रॉब्लम तब आता है जब नीज़ के ऊपर वेट आए, ठीक है। नीज़ के ऊपर वेट क्यों आया, क्यों आने दे रहे हैं आप लोग, क्यों? अगर नीज़ के ऊपर वेट आएगा तो वो तब आएगा अगर आप अपना वेट फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है। ये मेरा वेट है, अगर मैं इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो ये मेरा नीज़ के ऊपर आ रहा है वेट, ठीक है। लाइक ये अगर मैं लंजेस कर रहा हूँ तो ये मेरी लंजेस है, ठीक है ना। अगर ये मेरा स्टाइल है तो फिर तो मेरी नीज़ इफेक्ट होंगी, तो अभी तो सारा वेट नीज पर है। नहीं, ऐसा तो लंज करना ही नहीं है, आपने आना है, आपके लेग में डिस्टेंस हो, ठीक है, और उसके बाद आपका वेट नीचे की तरफ जाए, आपका वेट नीचे की तरफ जाए। अब ये देखें, जब मैं नीचे आया हूं
तो मेरा घुटना और मेरी टोस का फासला देखें, ठीक है। जब आपका घुटना आपकी टोस से आगे की तरफ निकलेगा तो फिर वेट आपका उसके ऊपर आगे की तरफ जाएगा। जैसे ये बॉटल है, अगर वेट इसके ऊपर रहेगा, अगर मैं कोई चीज़ इसके ऊपर रखता हूँ तो वेट उसके ऊपर रहेगा तो ये स्टैंड करेगी, ठीक है। अगर वेट को धिक्का लगेगा आगे की तरफ, जैसे ये नीज ज्वाइंट है अगर आपका देखें तो इसको जगह लगेगा तो ये, तो ठीक है, ये ज्वाइंट फिर फैक्ट करेगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है आप अपना वेट नीचे की तरफ लगाने, ठीक है, ज़मीन की जो ग्रेविटी है उसके साथ प्ले करें, ठीक है। जब आप उसके साथ प्ले करेंगे फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट चलेंगी, अपना जो आपका वेट भी होगा जाहिर है बॉडी के ऊपर, और उसके बाद आपकी नीज इतनी स्ट्रांग नहीं होंगी, और जब आप उसके साथ बैट प्ले करेंगी तो फिर आपको फैट करेगा। ये सब के साथ ऐसा है, मैं जेंट्स को भी बोल रहा हूँ, लेडीज़ को भी बोल रहा हूँ, आप लोग अपने लंजेस को डिस्टेंस में रखें ताकि आपका आपका वेट ये नीचे की तरफ जाए। नहीं होता इसके ऊपर हाथ रख के ऐसे कर लें, ठीक है। घुटना भी नीचे लग जाए ना, अगर घुटना भी नीचे लगता है तो आपके लंजेस ओके हो जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ, क्योंकि जब वो क्योंकि वो प्रोफेशनल, ये एक प्रोफेशनल वर्क जो है फील्ड है हमारी, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल फील्ड है, तो क्योंकि जिम में आपके कुछ फ्रेंड बन जाते हैं, कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनको इस बारे में आइडिया नहीं होता, तो फिर वो आपको मोटिवेट तो कर रहे होते हैं कि यार भाई ये ना करो ये ना करो, आपके नीज नीचे नहीं लगनी चाहिए, आपको इस तरह नहीं होना चाहिए, वर्कआउट के दरमियान पानी नहीं पीना चाहिए, बड़ी अजीब अजीब सी बातें हैं, बड़ी अजीब अजीब सी मिथें हैं, बहुत हम भी सुनते रहते हैं, तो ये सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्कआउट के दौरान टिका के पानी पिए, आपने वर्कआउट करना जैसे आपको इजी फील करता है आपकी बॉडी, आपने अपनी बॉडी को पेन नहीं देनी, आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, फ्रेश करना है। वर्कआउट मीन्स इंजॉय, वर्कआउट मीन्स इंजॉयमेंट, वर्कआउट का मतलब डिप्रेशन नहीं है, वर्कआउट का मतलब पेन नहीं है, ठीक है। तो वर्कआउट को इंजॉय करके करें, काफ़ी लंबी बातें होंगी, तो खैर उससे कुछ सीखने को मिला आपको। तो अगेन आए लेग एक्सटेंशन, 1 2, ये आपको बताया है आपको कॉर्डिसेप्स के लिए, 3 बिल्कुल सामने, 4 5 लेग आपकी खुलेगी तो फिर ही आपको, 6 7 8 9 10 11 12 शाबाश, 13 14 और ये 15। वर्कआउट का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप एक और टेंशन पाल लें, ठीक है। वर्कआउट का मतलब है आप वर्कआउट करो और आपको आप रिलैक्स फील करो, आपको अच्छे से नींद आए, अच्छे से भूख लगे, अच्छा सा खाना खाओ और अपने लाइफ की रूटीन को अच्छा सा इंजॉय करो, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी वर्कआउट का सीन नहीं है कि आप एक एक और टेंशन जो है अपने पालो। तो लिहाजा नेक्स्ट टाइम ऐसी बातों से आपने परहेज करना, कोई मसला हो तो मुझसे पूछना, देन मैं आपको क्लियर करूँगा साइंटिफिक रीज़न के साथ। आपको बताया आपके हमारा 30 मिनट का वर्कआउट होता है, 1.5 लीटर की बोतल मैं पी जाता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी तो खैर अब हम स्क्वाट्स करेंगे, तो ये डिफरेंट स्क्वाट है, स्क्वाट्स भी सेम उसी तरह जिस तरह मैंने लंजेस का तरीका बताया आपको, कि आपने अपनी नीज को टोस से आगे नहीं जाने देना। अगर वो टोस से आगे जाती हैं तो वो गलत कर रहे हैं, अगर आगे जाती हैं तो इट्स मीन वो आपका वेट जो है आपकी नीज के ऊपर आएगा। उसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग वर्कआउट में बताया था कि आपने फिर आपने वेट नहीं यूज़ करना, आपने फिर हेल्थ यूज़ करनी है, ठीक है। फर्ज करें किसी चीज़ के साथ आपने स्टैंड कर लेना है, ठीक है, उसको पकड़ के आपने जो है इसके साथ कोशिश करनी है कि आपके घुटने आपके टोस से आगे ना जाएं, ठीक है। जब वो आगे नहीं जाएंगे तो फिर वेट आपके स्क्वाट्स के ऊपर और सॉरी आपके आपके लेग्स के जो मसल्स हैं जैसे क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग है, ये जो पेल्विस है, इनके ऊपर आएगा वेट, ठीक है। अगर आप उसको आगे की तरफ करेंगे जैसे बैठ करनी है पोस्चर के साथ, तो
तो फिर वो आपका वेट जो है आपकी नीज में रहेगा, तो फिर वो नीज के लिगामेंट्स जो हैं या टेंडन जो हैं वो इफेक्ट होंगे, तो फिर आपकी प्रॉब्लम होगी, दर्द होना शुरू हो जाएगी। तो सो बी सेफ, बी पॉजिटिव। अब हम स्क्वाट्स करेंगे दोबारा, लेकिन इस बार स्क्वाट्स हमारे 3-3 रिकॉर्ड भी ख़त्म होने वाला है टाइम, क्योंकि काफ़ी हो गया इस बार बातों में ही, तो ये हम करीब लेग्स रखेंगे अपनी, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 शाबाश, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 more, 5, 4, 3, 2 और ये 1। अब हमारा लंजेस रह गए हैं लास्ट, अच्छा स्क्वाट्स मजे गए, ठीक है। नो स्क्वाट्स, नो 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 रजिया, मैंने आपको फर्स्ट में बोला आप अगर नहीं वर्कआउट करते पहले तो ये काफ़ी एडवांस वर्कआउट है, आप ना करें। लें जी, अब लुक देखें, काफ़ी उन लोगों के लिए ये वर्कआउट है जो बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं और वो काफ़ी ट्रेन हो चुके हैं, तो उनके अलावा चाहे ये लोग आप लोग ना करें, इसकी जगह पर सोमो स्क्वाट्स कर लें बेहतर है। तो इसमें क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो इधर वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो इसको लाजमी परफॉर्म करें। उसमें ज़ईम है, हसन शाह है, हाफिज़ है, हसीब, ठीक है, सुबैन कर, ये सारे जो लोग हैं ना वो इसको ईजीली कर सकते हैं, तो वो लोग इसको परफॉर्म करें, लेग को मैक्सिमम वाइड कर लें। और ओके, 1, 2 यही हमारा चैलेंज वर्कआउट है आज का, ठीक है, यही हमारा चैलेंज वर्कआउट है। हम विदाउट स्टे इसको 20 टाइम करेंगे, ठीक है। अगर आप कर लेते हैं तो मुझे बताइएगा, आई विल अप्रिशिएट यू लाइव, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 चैलेंज आसान नहीं था। तो हाँ जी, आप लोग करें स्क्वाट्स, लेकिन आप लोग इसको इजीली करें, बॉटल साथ ना रखें, ठीक है। आप इस तरफ घूमें, लेग्स को पकड़ लें, ऐसे कर लें, फिर लेग को पकड़ लें, ऐसे कर लें, ये भी आपका आपके ये इंटर हो जाएंगे, ठीक है। ये चैलेंज आसान था, अभी हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, लास्ट वर्कआउट है, इसको कंप्लीट करके हम ज़ीरो कर देंगे, ओके कर देंगे, आज का हमारा दिन ख़त्म हो जाएगा। ये मैं वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ये मेरा क्लाइंट है, काफ़ी फैटी है, हाइट उसकी 5'4" या 5'5" के दरमियान है, मीन छोटी हाइट है और काफ़ी मोटा है, और वो स्क्वाट्स का लंजेस जैसे करता है आप हैरान हो जाएंगे उसको देखकर, ओके। लोग ये हमारा चैलेंज वर्कआउट है, इसको हम कवर करेंगे 20, तो उसके बाद हम ख़त्म है हमारा आज का वर्कआउट, ठीक है। ये आपसे होता है तो करें, नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पर सिंपल लंजेस कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ले जी स्ट्रेच कर लें हल्का सा ताकि रिलैक्स हो जाए। ये कूल डाउन स्ट्रेच है। नहीं जी आज का वर्कआउट हमारा ख़त्म हुआ, लेग का वर्कआउट था आज हमारा, तो होप सो आप लोगों ने इन्जॉय किया। तो इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका अपना ट्रेनर लाइफ कोच बिलाल कमोका, फिटनेस इंटरनेशनल सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। अल्लाह हाफिज़।